नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इससे पहले समाज में धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या थे, मतलब बौद्ध धर्म क्यों आया। इससे पहले क्या था, वैदिक धर्म था, तो वही वैदिक धर्म का पतन क्यों हुआ और बौद्ध धर्म क्यों आया, सबसे पहले हम इसके कारणों को जानते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के उदय के महत्वपूर्ण कारण। वैदिक कालीन सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था में कठोरता, भेदभाव तथा यज्ञ व कर्मकांड स्थापित हो चुका था। इसी दौरान छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो लोहे का कृषि में व्यापक उपयोग होने के कारण कृषि उत्पादन में विस्तार हुआ, कृषि अधिशेष बढ़ा, कृषि के विस्तार ने पशुओं के महत्व को भी बढ़ा दिया, जबकि वैदिक व्यवस्था में यज्ञ के नाम पर बड़ी मात्रा में पशु हत्या हो रही थी। तो मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई जो वैदिक काल था ना, उसमें क्या हो रहा था, बड़ी मात्रा में पशुओं की हत्या हो रही थी, पशुओं की बलि दी जा रही थी, जबकि बौद्ध जो हमारा बौद्ध धर्म है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इस वजह से वैदिक काल का भी पतन हो चुका था और बौद्ध धर्म आ गया था। इसी समय द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत के साथ वाणिज्य व्यापार की शुरुआत हुई, ठीक है। वैश्यों की आर्थिक समृद्धि बढ़ी, महाजन पदों के विकास के साथ स्थायी सेना व पेशेवर नौकरशाही का विकास हुआ, इससे राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। राजनीतिक व आर्थिक शक्ति के विकास ने क्रमशः सामाजिक उपेक्षाओं को जगाया, अर्थात दोनों वर्ण कौन कौन से, वैश्य और शूद्र। ये क्या है कि दोनों वर्ण है ये व्यवस्था में अपनी स्थिति को लेकर असंतुष्ट थे, ठीक है। अतः जब नए धर्म, कौन कौन से नए धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, इनका उदय हुआ, तो बड़ी मात्रा में वैश्यों और शूद्रों ने इन धर्मों को प्रशय दिया, ठीक है, मतलब अपनाया इन लोगों ने। अब देखिए, अपन आते हैं बौद्ध धर्म पे। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत क्या थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। फिर है कि बौद्ध धर्म के आर्य सत्य, तो ये चार आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख निवारण का मार्ग। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न और चार आर्य सत्य, तो आपको यहाँ पर इनको अच्छे से याद करना है, पढ़ना है। दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के आठ अंग हैं, जिन्हें मध्यम प्रतिपदा अर्थात मध्य मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के तीन मुख्य भाग हैं, वो कौन कौन से हैं देखे, प्रज्ञा, ज्ञान, सील तथा समाधि। प्रज्ञा, ज्ञान, सील और समाधि, इन तीन प्रमुख भागों के अंतर्गत जिन आठ उपायों की प्रस्तावना की गई है वे इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं आठ उपाय, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समृद्धि और एक है आपका लास्ट का सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यह निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। महात्मा बुद्ध ने 10 सीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बताया है। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण है, जिस प्रकार से दुख समुदाय का कारण क्या है, जन्म है, उसी तरह है जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञानता रूपी चक्र को क्या कहते हैं, प्रतीत समुत्पाद। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद किसे कहते हैं। प्रतीत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है प्रतीत, अर्थात किसी वस्तु के होने पर, और समुत्पाद
समुत्पात है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीत समुत्पात के 12 क्रम हैं, जिन्हें हम द्वादश निदान कहते हैं। और ये किससे संबंधित है, देखिए द्वादश निदान, जाति जरा मरण मतलब भविष्य काल से संबंधित, अविद्या और संस्कार यानी भूतकाल से संबंधित, विज्ञान और नाम रूप वर्तमान काल से संबंधित, स्पर्श तृष्णा और वेदना यह है वर्तमान काल से संबंधित, सदायतन भव व उत्पादन यह है वर्तमान काल से संबंधित। प्रतीत समुत्पात में ही अन्य सिद्धांत जैसे क्षण भंगुरता तथा नरात्मवाद आदि समाहित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः है अनिश्वरवादी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भाई बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता, ठीक है। तो ये एक अनिश्वरवादी धर्म है। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिमा पर ही बल दिया है, ठीक है, मानव प्रतिष्ठा पर ही बल दिया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अनात्मवाद को निरात्मवाद भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म ने जाति तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला हुआ है और खुला हुआ था। स्त्रियों के अधिकारों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। संघ की सभा में प्रस्ताव जिसको नति कहा जाता था, प्रस्ताव को का पाठ होता था, प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, भाई अनुसावन किसे कहा जाता है, नति किसे कहा जाता है। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या जो क्या कहलाती थी, कोरम, वो कितनी होती थी, 20 होती थी, ठीक है। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। संघ में चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में उपोषत के नाम से जाना जाता था। ओके, उपोषत। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान को कौन कौन से हैं, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह तथा वैशाली, इनको बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान नाम से भी जाना गया है। इन धार्मिक संप्रदायों ने उपनिषदों द्वारा तैयार वैधानिक पृष्ठभूमि के आधार पर पुरातन वैदिक ब्राह्मण धर्म के अन्य दोषों पर प्रहार किया। अतः बौद्ध धर्म को तथा अन्य संप्रदायों को सुधार वाले आंदोलन भी कहा गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही इतिहास से संबंधित वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।